राम जी, अब आपको ये दर्शन देने पड़ेंगे। Hey guys, welcome back to another vlog and hope you all are doing good. So, आज आप लोगों को मेरी शक्ल थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी लग रही होगी, all because I am suffering from cold और अब मुझे बाहर जाना है क्योंकि बाहर ग्राउंड में बच्चे दशहरा की तैयारी कर रहे हैं। 24th को दशहरा है, सो इन एडवांस हैप्पी दशहरा टू यू ऑल। सो हम आज का दिन और कल का दिन मर्ज कर देंगे, सो उसमें हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, सारा कि कैसे जलाया, क्या क्या हमने करा। सो या दैट्स इट, चलो अब चलते हैं बाहर। सो लेट्स गो। यहाँ पर डॉगी लेट रखा है और हमें जाना है उस ग्राउंड में, तो चलो वहाँ तक चलते हैं। उन बच्चों को कैसे लगे हैं डेडिकेटेड? सब एक एक करके काम पे लगे हुए हैं यार, क्योंकि कल दशहरा है। ये औरत जो आप देख रहे हैं, ये कितने बज रहे हैं अभी? एक तो बज रहे होंगे, एक बजे बाहर आई है, हमने 10 बजे बुला दिया था और अब जाके बोल रही है कि काम क्या है। और जब हमने बोला कुछ काम नहीं तो बोल रहे हमारा टाइम वेस्ट कर दिया आपने इतनी। गाइस मुझे फीवर था और मैंने बोला था कि मैं अभी पहले रेस्ट लूंगा। 5 घंटे कौन सोता है? 5 घंटे कब सोई मैं? अबे 12 घंटे बोल रहा है। 12 घंटे ओए सोनी दर, मैंने देख लिया फोन। मैंने देख लिया कि अच्छा ऐसा परछाई में देखा कि मैं शूट कर रही हूँ और फिर से अपना फेस छुपा दिया है। गाइस वाओ नाइस, किसके है ये? किसके BMW? हमने सोचा जब तक हम चंदा मांगते हैं तब तक हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम से झूला झूल रहे हैं आंटी के घर पे। हाय मज़ा आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक और सीन दिखाती हूँ मैं आपको। वहाँ देखो गाइस, वो बच्चे कैसे बैठे हुए हैं। ज़ूम करती हूँ ज़रा, डिस्कशन चल रहा है उनका, सीरियस डिस्कशन जिसे हम बोले ना। तो गाइस यहाँ पे लड़ाई हो रही है, बहुत माय गॉडनेस। अरे बढ़िया अबे वहाँ का बगारी मूवी दिख रही है, ये यहाँ पे मजे ले रहे हैं इस चीज का। हेलो गाइस, पॉपकॉर्न नहीं मिल रहा है। बस मूवी चल रही है, डिस्कशन से ये लोग अब खेल रहे हैं उनो। सो यार हम लोगों ने सारा काम मतलब पूरा डिस्कस कर लिया है, क्या कैसे कैसे करना है। सो अभी हम शाम को चंदा वगैरह लेंगे और अभी फ़िलहाल तो मैं घर आ गई हूँ। फिर अभी मुझे ड्राइंग भी बनानी है, सारा सामान जो हम ले लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या हमारी प्लानिंग है। हे गाइस वेलकम बैक एंड दिस इज़ द डे 2 ऑफ दशहरा सेलिब्रेशंस। आयुष और मैं अभी बना रहे हैं रावण, तो हमने अभी आधा रावण बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ दशहरा का जो पहला जो हमारा फेस है, जो बड़ा सा फेस हमने बनाया है ये देखो। और आयुष इसे अभी काट रहा है, इसको ना अभी इतना ज्यादा अच्छे से नहीं बना पाए हम क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी थी, तो हमने सोचा यार फटाफट इसे जैसे तैसे निपटा लेते हैं क्योंकि ओवरऑल तो चलाना ही है। तो अभी हमने कलरिंग वलिंग कुछ नहीं करी है, बच्चे जा रखे हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए और कुछ बच्चे कलर्स वगैरह स्केचेस लेने के लिए जा रखे हैं। इसमें हम स्केचेस करने की सोच रहे थे क्योंकि पेंट तो फिर ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। मेहनत का काम तब होता है जब सारा काम निपट जाता है और उसके बाद ये कलर वगैरह ये साफ सफाई करनी होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी यही होती है। और आज सब कुछ समेट रहे हैं, यहाँ पे कलाकार है भाई यहाँ पे बैठे हैं। अभी हम इस पर कलर करने जा रहे हैं जो कि अभी आधा 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 ही हुआ है, पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ। यहाँ पे ये लोग कटिंग्स कर रहे हैं, ये आधी कटिंग इन्होंने करी है और यहाँ पे गद्दे हैं, गद्दे लगाएंगे इनके पीछे सपोर्ट के लिए। सारे बच्चे लोग यहाँ पे बच्चा पार्टी काम कर रहे हैं। ए बच्चे देखो कितना मैस हो रखा है यहाँ पे। गाइस शाम हो चुकी है अभी, इस वक्त तो टाइम पता नहीं क्या ही दिखेगा। और यहाँ देखो घर की हालत जगह जगह, और हमने ये जो दशहरा है ये हमने रेडी कर लिए हैं। ये देखो हमारा रावण कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके हमको बताना। तो हम मिलते हैं हम आपको बाहर ही, सबसे पहले से साफ करेंगे हम। गाइस हम लोगों ने सोचा था कि बच्चों ने पूरा काम कर लिया होगा बाहर का, हम आपको दिखाते हैं भाई।
सब तहस महस हो रखा है, अभी कुछ झाड़ियाँ वगैरह नहीं लगी है यहाँ पे। अभी हम अंदर से कूड़ा लेके आते हैं, इसे भी जला देंगे साथ ही में। ये दीदी नहीं आ रही क्या? रावण बन चुका है हमारा। रावण को देखा जाए, ओ माय गॉड कितना ऊपर है भाई ये। रावण तुम्हें खा जाएगा, खा जाएगा रावण। अब ये सारा काम बच्चों का है, हमारा काम था सब बनाना, हमने सब बना लिया है, अभी बच्चों की मेहनत है। और आयुष तो अभी पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री सब लगा रहे हैं यहाँ पे। देखो गाइस अभी टाइम हुआ है हमारा 8:19 और हम लोगों ने टाइमिंग जो रखी है वो 8:30 की रखी है रावण दहन की। हम लोग अभी इसके बाद रावण दहन करने जाएंगे क्योंकि अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है। जैसे कि आपने देख ही लिया था कि मतलब थोड़ा बहुत हमने लास्ट वाला सीन आपको दिखाया था कि जैसे तैसे हमने रावण बना लिया था। वैसे तो बहुत सारा काम था बाकी, ऑलमोस्ट मतलब जैसा हम लोग सोच रहे थे ना वैसा नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। बट या सबने बहुत मेहनत करी। इन लोगों को देखना यहाँ पे मजे में गेम खेल रहे हैं। तो अब जैसे कि टाइम हो गया है रावण दहन करने का, तो चलो गाइस चलते हैं। तो बाहर गाने बज चुके हैं, भाई बच्चे भी आ गए हैं। बाहर कोई नहीं आया, बस सब आ गए वहाँ। ऐसे करो हेलो, दो हाई फाइव दो। ये देखो हमारा दिख नहीं रहा होगा इसमें, थोड़ा ये सीधा होता ना, ये हिलाया है किसी ने। भाई हिलाया बस, छोड़ चलने वाले दुकान में नहीं है। देखो इस झाड़ पे हम आग लगाएंगे और फिर इससे हम इससे जलाएंगे। इससे जलाएंगे। यस गाइस, रात के अंधेरे में ये लोग दिख नहीं रहे हैं, बहुत सारी जनता यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। मैं चाहते हो इस बारे में कि कैसा लग रहा है रावण? अच्छा लग रहा है, कैसा लगेगा? जलना ही है, स्नान तैयारी हो रही है। लगाओ भाई लगाओ। तो गाइस मैं बना रही हूँ सबकी वीडियो, थोड़ी छोटी यूट्यूबर आंटी जी, एक्सक्यूज मी, ये अपने आप को कुछ बड़ा समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब रावण का दहन करने वाले थोड़ी देर में क्योंकि सब लोग इकट्ठा हो गए। अब ये बहुत ही रोमांचक सीन होने वाला है। हमने ना वहाँ पे रावण की जो है ना इस पूरी लाइन पे पटाखे फिट कर रखे। रावण की मुंडी पे जली नहीं रही है, इस बार इतने पाप हो गए कि ये रावण जली नहीं रहा। राम जी अब आपको ये दर्शन देने पड़ेंगे और राम का ध्यान करना पड़ेगा वापस से। वेट कर रहे हैं सब यहाँ पे कि कब रावण जलेगा। तो आंटी यहाँ पे बिल्कुल डेयरिंग है बहुत ज्यादा क्योंकि उसके अंदर भी हमने पटाखे फेट कर रहे थे। यहाँ पे सब लोग रावण को जलाने पे लगे हैं, ये जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फाइनली रावण का दहन हो गया है। रावण बोला ना इंसाफी हो मेरे साथ, मार मरता तभी वो हर साल दोबारा जन्म मतलब दोबारा आता है। यहाँ पे अंधेरा है भाई, यहाँ पे कुछ करनी है आप लोग। इनके चेहरे नहीं दिखेंगे, हड्डियाँ भी मौजूद है तो इनकी आवाज़ सुन लीजिए आप। इसकी हड्डियाँ गली नहीं है, गाय देख सकते हो आप। रावण इसलिए जिंदा रहता है अभी भी। रावण जला नहीं, रावण को क्या, रावण के सिर तो जले नहीं और हाथ पैर सब जल गए बस। रावण का दहन हो चुका है एंड अब हम लोग स्नैक्स का मजा लेने जा रहे हैं जो कि पीछे कर रहे हैं समोसा पार्टी। सो हम घर आ गए हैं अभी दोस्तों एंड आई होप कि आप लोगों को ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगेन थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। हो गया तेरा? तो ये पीछे बिहाइंड द सीन्स में आपको दिखाती हूँ उसका चेहरा, अभी छुपा देगी। छुपाने से पहले ही भाग चुकी है।